नमस्कार दोस्तों, मैं उरायन गुआ मोरे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झंकार बनारस। दोस्तों आज के वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लखनियादरी वाटरफॉल यानी लखनियादरी झरना। और मैं इस समय मौजूद हूँ, आप पीछे देख रहे होंगे, ये वाराणसी शक्तिनगर मार्ग है और ये जो रास्ता है यही जाएगा सीधे लखनियादरी के लिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है। दोस्तों लखनियादरी वाराणसी से 54 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि इस झरने के चारों बगल आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखने को मिलेगा और प्रकृति का काफ़ी शानदार नज़ारा है। और सावन के समय आप देखेंगे जहां तहां सभी जगह पेड़ पौधे हरा भरा आपको नज़र आएंगे और झरने में पानी भी लबालब भरा हुआ है। लखनियादरी में कुछ सैलानी यहाँ पर बाटी चोखा दाल जैसे व्यंजकों के आनंद के साथ साथ पहाड़ी झरनों का भी लुत्फ उठाते हैं। फाइनली देख रहे होंगे कि आ गए हम लोग लखनियादरी में। आप देख रहे होंगे सामने झरना है और इस समय बदरी का भी मौसम है और काफ़ी सुहाना मौसम है। और लखनियादरी में घूमने के लिए इस समय काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप पीछे भी देख रहे होंगे घूमने फिरने काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ये मिर्ज़ापुर ज़िला में स्थित है ये वाटरफॉल।
यह वाटरफॉल सैलानियों के लिए एक अत्यंत पसंदीदा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर कई जिलों से भी लोग आते हैं, जैसे वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज आदि जिलों से भी आते हैं लोग। दोस्तों, लखनिया दरी में सबसे ज़्यादा सैलानियों का भीड़ सावन माह यानी जुलाई अगस्त में रहता है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।